हेलो। हाँ, बन गया रोड। हेलो। हाँ सर, थोड़ा सा बचा हुआ है, बाकी बन गया। हाँ, एकदम चिकना बनाया है ना। हाँ, गारंटी के साथ सर, एकदम फर्स्ट क्लास बनाया है रोड। बहुत बढ़िया। अब एक काम करो, उसे तोड़ दो, पाइपलाइन डालनी है। क्या क्या मजाक चल रहा है सर यहाँ? आप लोग अक्सर ये जरूर सोचते होंगे, गवर्नमेंट हाल ही में बनी हुई नई रोड को दोबारा क्यों तोड़ देती है, और क्या सच में गवर्नमेंट रोड बनाते वक्त पाइपलाइन डालना भूल जाती है, या फिर यहाँ चल ही कुछ और रहा है? जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अरे श्याम सिंह, रोड बन गई पूरी? हाँ ठेकेदार जी, बन गई फाइनली। अरे धर्मपाल, पाइपलाइन तो बिछानी भूल गए। तो अगर हम इस मुद्दे को सही से समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंडिया में कौन कौन से रोडों को कौन से डिपार्टमेंट बनाते या मेंटेन करते हैं। सबसे पहले आते हैं नेशनल हाईवेज, जो कि कंट्री की बड़ी बड़ी सिटीज को कनेक्ट करते हैं, और इन हाईवेज को इंडिया में NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और या फिर सेंट्रल PWD के अंडर कंस्ट्रक्ट और मेंटेन किया जाता है। जैसे कि नेशनल हाईवे 44, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी बड़े शहर हैं सबको कनेक्ट करता है। फिर आते हैं स्टेट हाईवेज, जो कि किसी भी स्टेट्स के अंदर सिटीज या डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करते हैं। इन हाईवेज के कंस्ट्रक्शन को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फंड किया जाता है, और इन हाईवेज को स्टेट PWD कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करती है। इस केस में आगरा एक्सप्रेसवे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टेट हाईवेज का। उसके बाद आते हैं सिटी के अंदर के रोड्स, जो कि शहर के अंदर की एक जगह से दूसरी जगहों को कनेक्ट करते हैं। इन रोड्स को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जैसे कि BMC या फिर नगर निगम, और या फिर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी मेंटेन या कंस्ट्रक्ट करती है। और इसी तरह गांव और कस्बे के अंदर रोड्स को ग्राम पंचायत बनाती है। इनके अलावा भी और डिपार्टमेंट्स होते हैं, पर फिलहाल के लिए वीडियो को सिंपल और छोटा रखने के लिए हम सिर्फ इन्हीं डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे। अब आपको पता है कौन कौन से डिपार्टमेंट रोड्स को बनाते हैं। अब आपको समझना पड़ेगा कौन कौन से डिपार्टमेंट को रोड को कट या तोड़ने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले कोई भी स्टेट के वाटर या सीवेज डिपार्टमेंट, इनको वाटर सप्लाई के पाइप और सीवर के पाइप डालने के लिए रोड को कट या फिर तोड़ना पड़ता है, जैसे कि जलकल या जल संस्थान। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को वायर डालने के लिए, या फिर टेलीफोन कंपनी जैसे कि एयरटेल, वोडाफोन, जियो को इंटरनेट के वायर डालने के लिए रोड को तोड़ना पड़ता है। गैस कंपनी को गैस लाइन डालने के लिए, और यहाँ तक कि इंडिविजुअल यानी कि हम आपको भी रोड को तोड़ने की जरूरत पड़ती है, ताकि हम लोग ये सप्लाईज को अपने घर तक पहुंचा सके, या फिर अपने घर की ड्रेनेज को सीवर तक जोड़ सके। तो हम लोग अपने असली मुद्दे पर लौट के आते हैं कि क्या सच में गवर्नमेंट पाइपलाइन डालना भूल जाती है? तो शायद इसका जवाब है नहीं। तो फिर रोड बनाने के बाद तोड़ते ही क्यों हैं? तो इसका पहला कारण है दो डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन न होना। जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि कौन से डिपार्टमेंट रोड को तोड़ते हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट रोड बनाते हैं, तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि सिटी की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक रोड बनानी है जनवरी, पर वहीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने इस रोड में वायर डालने की प्लानिंग फरवरी मंथ में कर रखी है। तो यानी कि उसको अपने वायर डालने के प्रोजेक्ट के लिए नई बनी हुई रोड को तोड़ना पड़ेगा, और क्योंकि इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, इसलिए यहाँ पर पैसे और रोड दोनों की बर्बादी आम जनता को झेलनी पड़ती। दूसरी प्रॉब्लम है सही तरीके से प्लानिंग ना करना, और अगर इसी केस में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर प्लान करता, रोड में वायर डालने के काम को प्रीपोन या फिर पहले किया जा सकता था, और या फिर रोड के कंस्ट्रक्शन के काम को पोस्टपोन कर देते, तो शायद जनता के टैक्सेस का सही से इस्तेमाल किया जा सकता, और साथ ही नए बने रोड को दोबारा से खोदने की जरूरत न पड़ती। एक और रीजन है जिसके वजह से रोड को तोड़ना पड़ता है, रूटीन मेंटेनेंस या फिर फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए। कभी कदार पाइप्स में लीकेज या वायर में फॉल्ट की वजहों से भी रोड को तोड़ा जाता है, लेकिन इस कंडीशन में रोड के अंदर डाली हुई मटेरियल की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए तो काफी हद तक रोड के तोड़ने की संभावना को कम किया जा सकता है, लेकिन फिर भी खत्म नहीं किया जा सकता। तो आखिरकार इसका सलूशन क्या है? तो अगर रोड कंस्ट्रक्ट करने वाले डिपार्टमेंट रोड को बनाने से पहले एक नोटिस जितने भी रोड कट करने वाले डिपार्टमेंट है उनको इश्यू कर दे कि हम कोई पर्टिकुलर रोड बनाने जा रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो हमारे कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले अगर आपका कोई पेंडिंग प्रोजेक्ट है या अपकमिंग प्रोजेक्ट है, आप उस पे काम कर सकते हैं। या फिर रोड कट करने वाले डिपार्टमेंट अपने प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले कंस्ट्रक्ट करने वाले डिपार्टमेंट को अपने प्रोजेक्ट की
पूरी जानकारी सही से दे दे कि उनको कितने रोड तोड़ने की जरूरत है या किन किन एरिया में वो रोड तोड़ना चाहते हैं, तो शायद काफी हद तक इंडियन रोड्स की हालत में सुधार आ सकता है। तो अब आपको पता है कि रोड बनाते वक्त क्या सच में गवर्नमेंट पाइपलाइन डालना भूल जाती है कि नहीं। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।